राजस्थान में लगातार कोरोना के पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या राजस्थान में 1600 के पार पहुंच चुकी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता टोंक से फिरोज उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी फिरोज, क्या कुछ अपडेट है टोंक को लेकर? जी मैं बताना चाहूंगा कि सुबह भी 2 कोरोना के पॉजिटिव के मामले सामने मिले। अब तक टोंक में 98 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं और अकेले बमोर गेट क्षेत्र से 76 ये कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद से ही प्रशासन ने कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका बमोर गेट क्षेत्र को प्रशासन ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। जी रविवार को ही यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये राशन सामग्री पहुंचा दी गई थी। 10 से 15 दिन की ये राशन सामग्री पहुंचा दी गई है जी। और यहाँ 80 लोगों के जवान की टीम लगाई गई है, पुलिस के जवान की टीम लगाई गई है, सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ लगा दिए गए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और निगाहें बनाए हुए पूरी स्थिति पर। मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी बहुत से कुछ सैंपल बाकी हैं जो अभी आने बाकी हैं। अभी तक क्वारंटाइन सेंटरों में 703 लोगों को रखा गया है, होम आइसोलेशन में अभी 410 लोग हैं जी। और इसी तरीके से मैं बताने चाहूंगा कि टोंक के लिए एक खुशखबरी भी है। चिकित्सा विभाग व स्वास्थ्य विभाग जयपुर की ओर से जारी प्रदेश स्तरीय एक बुलेटिन के मुताबिक जिले के 98 से 15 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। इनमें से एक संक्रमित को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। हालांकि इस बारे में टोंक प्रशासन ने अभी इनकार किया है जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे टोंक संवाददाता फिरोज उस्मानी, जिन्होंने टोंक को लेकर के लेटेस्ट अपडेट दी, किस प्रकार से कोरोना की जंग में टोंक प्रशासन जुटा हुआ है। प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 1628 हो चुकी है। वहीं कोरोना से अब तक प्रदेश में 25 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ना प्रदेश के लिए चिंता की बात है। तो साथ ही राजधानी जयपुर में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना ने देश में अपनी जड़ें जमाना चालू कर दी, तो वहीं साथ ही प्रदेश में भी कई जिलों को अपने दायरे में ले लिया है। राजधानी जयपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं। राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजस्थान में 1600 के पार पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक 1628 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। तो वहीं कोरोना से जंग लड़ते लड़ते 25 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस वक्त हमारे साथ लालसोट से संवाददाता राकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राकेश, क्या कुछ अपडेट है लालसोट को लेकर? जी आज आशीष जी, मैं कोरोना को लेकर एक बताना चाहूंगा कि जैसे आज दौसा जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जी, उसे लेकर दौसा जिला के प्रशासन चिकित्सा अधिकारी बता रहे हैं कि भाई लालसोट के रहने वाले नहीं है, बेसिकली मैं ये बामन बड़ौदा के रहने वाले हैं और इनकी सैंपलिंग भी गंगापुर में ही हुई है जी। और ये लालसोट में एक मंदिर के पुजारी बताए जा रहे थे, जबकि ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज शर्मा ने बताया कि ये विगत 1 माह 27 मार्च से बामन बड़ौदा के लिए चले गए थे जी। तो कहीं ना कहीं लालसोट प्रशासन ने राहत की सांस ली है कि वहाँ का कोई पॉजिटिव नहीं निकला है। बिल्कुल सर, इसको लेकर आसपास पड़ोस में मालूम करने के बाद में प्रशासन ने राहत की सांस लेते हुए ये कहा कि लालसोट का कोई संक्रमित नहीं है आज के केस में जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे लालसोट संवाददाता राकेश, जिन्होंने अपडेट दी कि लालसोट में अभी कोई भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आया है। जो 2 पॉजिटिव दौसा जिले में आए हैं वो लालसोट के नहीं है।
राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 1628 हो चुकी है, तो वहीं राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने निकल कर आए हैं। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? कोटा में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आशीष, अगर लगातार कोटा की बात करें तो कोटा कोरोना हाईस्पॉट हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। लगातार यहां पर चार थाने थे जहां पर मां कर्फ्यू लगा रखा था। कल रात को अनंतपुरा थाना क्षेत्र में एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आया, जिसके बाद में अनंतपुरा थाना क्षेत्र में भी कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है और लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। अभी अगर ताजा जानकारी बताएं तो कोटा में 108 कोरोना पॉजिटिव यहां पर आंकड़ा पहुंच चुका है। आज एक मकबरा थाने में जो कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां का एक हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव आया। उसके बाद में पूरे पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है। कोटा एसपी गौरव यादव से हमारी बात हुई, उन्होंने पूरे जो मकबरा थाने का स्टाफ था उसको होम आइसोलेशन में जाने के लिए कहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा कहीं ना कहीं लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में सनसनी फैली हुई है कि कहीं ना कहीं हर जगह कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है, क्योंकि जांच का जो दायरा है वो सीमित है। जी आशीष, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की जांच का एक इस तरह के भाई यहाँ पर 300 से 700 आदमी मरीजों की जांच हो पाएगी, तो इस तरह से जो मरीजों का आंकड़ा है उन जिन लोगों की जांच हो पाती है उनकी पुष्टि हो पाती है। मगर अभी तक भी जिला प्रशासन ये तय नहीं कर पाया है कि कोटा में कितना कोरोना पॉजिटिव मरीज है। जिस तरह से लगातार जो आंकड़ा बढ़कर सामने आ रहा है उससे हर इलाके में सनसनी फैलती जा रही है। जिस तरह से मकबरा थाने का जो हेड कांस्टेबल है वो आज एक कोरोना पॉजिटिव आया है, तो उसका जो निवास स्थान था वो दादाबाड़ी बताया जा रहा है। तो दादाबाड़ी थाना का जो क्षेत्र है उसके जो पुलिसकर्मी है वो भी उसके घर पर पहुंचे हैं, और जो वहाँ के आसपास के लोग जो रहते हैं उनको भी होम आइसोलेशन की तैयारी की जा रही है। तो आशीष, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोरोना से कोटा की लड़ाई काफी मजबूत तरीके से लड़नी होगी और कहीं ना कहीं प्रशासन को पुख्ता इंतजाम तय करने पड़ेंगे। साथ में एक मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात की जा रही है, तो मॉडिफाइड लॉकडाउन कोटा में किसी तरह से भी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग बाग बेवजह ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी आशीष, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है मॉडिफाइड लॉकडाउन में वहां पर। बिल्कुल आशीष, मॉडिफाइड लॉकडाउन या तो जो जनता समझती है या तो पूर्ण तरह बंद समझती है, या फिर मॉडिफाइड लॉकडाउन का यहाँ लोगों को परिचय पता नहीं है। जैसे मॉडिफाइड लॉकडाउन की सूचना जब टीवी चैनलों और अखबार के माध्यम से मिली तो लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सबको छूट है। तो पुलिस कर्मियों के साथ सबसे बड़ी सरदर्दी ये बनी हुई है कि जो भी व्यक्ति निकलता है या तो के जाता है मैं मजदूर हूँ, मैं फला जगह जा रहा हूँ। तो लगातार कोटा में जो लोगों की आवाजाही देखी जा रही है वो काफी मात्रा में देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं मॉडिफाइड लॉकडाउन कहीं से भी सक्सेस कोटा में तो नजर नहीं आ रहा है। जिला प्रशासन किस तरह की गाइडलाइन जारी करेगा और उसके बाद में किस तरह के हालात होंगे ये बाद में देखने की बात होगी। मगर आशीष, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जिस तरह लगातार अलग अलग थाना क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं, ये प्रशासन के लिए एक बड़ी मुश्किल की घड़ी है और कोटा शहर की जनता को भी जागरूक रहने के लिए कहा जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे। 20 तारीख से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल शिक्षित हैं और लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो जिन्होंने कोरोना को मजाक समझ रखा है, जो सरकार की और केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। कुछ लोग सिर्फ शौकिया तौर पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और जब पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती करता है तो पुलिस की छवि पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को एक सख्ती से निर्णय लेना पड़ेगा कि किस तरह से इस पर काम किया जाए और किस तरह से लोगों की आवाजाही रोकी जाए। लगातार जो कहा जाता है कि जरूरत की सेवाओं को छूट दी जा रही है, मगर उन जरूरत की सेवाओं को छूट देने के बाद में जिस तरह की भीड़ इकट्ठी होती है उससे फिर प्रशासन को निपटना भी बड़ी मुश्किल की घड़ी में सामना करना पड़ता है। तो आशीष, अगर कोटा की बात करें तो कोटा में जिस तरह से लगातार रोज कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से लोग संदिग्ध मिलते जा रहे हैं और उनको रखने की व्यवस्था का जो मामला होता है, अगर लगातार ऐसे एक एक दो दो तीन तीन चार चार कोरोना पॉजिटिव मिलते गए और उनके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया, तो कितने लोग होंगे ऐसे जिनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अभी से इसमें लगाम लगानी चाहिए, और अगर ये लगाम नहीं लगी
तो कहीं ना कहीं कोटा को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी आशीष जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे कोटा संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी कोटा को लेकर। कोटा में एक हेड कांस्टेबल है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पूरे थाने के कर्मचारियों को एकांतवास में भेजा गया है।